보시되거나 पकड़ दो, पकड़ कस के परोठा दे, तो हट तो परोठा दे दे। पकड़ एक एक तो सबका खा ले सकते चाय के साथ। मटर और आलू है तो इसमें मैंने अभी मतलब भून के पानी थोड़ा सा डाल दिया है और ये मतलब मुझे शाम के लिए तैयार करनी है। शाम को इसका वही मटर मतलब पराठे मैं बनाऊंगी जो पहले भी एक बार मैंने दिखाया था आपको। और अभी के लिए तो वही चूड़ा पोहा है ना वही बनेगा और दही चूड़ा वैसे ही खाएंगे ये लोग। तो वो ये अभी बना के इसको रख देती हूँ ना कि शाम को फिर ठंड लगती है कुछ करने का इच्छा नहीं होता है तो अभी बना के इसे रख देने से ठीक रहेगा, ठंडा हो जाएगा ना तो भरने में आसान रहेगा, नहीं तो शाम को तुरंत बनाती हूँ ना तो गिल्ला गिल्ला रहता है भरने में दिक्कत होती है। तो इसे अभी मैं बना के रख दूँगी इसे और अभी हम लोग चूड़ा दही वगैरह मतलब खाएँगे। ये बन के तैयार हो गया है और इसी कढ़ाई को मैंने धो लिया है और इसमें अब पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। Thank you.
इसी में मिला देना। तो ये चूड़ा मैंने धो लिया है और यही वाला आज हमारा खाने का है ये, तो इसमें मैंने दही मिला दिया है, इसको बेसी भी देने में डर लगता ना पर इसे, तो ये इस तरह मिक्स कर लेती हूँ मैं इसे। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत मीठा वाला है, मीठा वाला दही है और पूरा देखा आपने कैसे रबड़ी की तरह जमा हुआ था, तो ये बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है। तो बस यही मैं इसे दे देती हूँ मिला के। जी हो गई थी तो ये मैंने इसमें पलट लिया है और इसी कढ़ाई को मैंने धो लिया पानी से अच्छे से और इसी में फिर से तेल डाल रही हूँ और सरसों का तेल ये डाल दिया है तेल। और इसी में ये प्याज और हरी मिर्च जो काटा था मैंने मटर के बाद, मटर डालने के बाद ये भी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से फ्राई होने पीछे ये हो गया है मेरा पोहा बन गया, रेडी हो गया है। नमक डाल दिया मैंने और अब इसमें ये भुना हुआ जीरा, ये भुना हुआ जीरा है तो ऊपर से मैं डाल देती हूँ इसे थोड़ा सा, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ज़रा सा ही डाला है, एक चम्मच के लगभग। मतलब इसको डेली नहीं लाइएगा, जब मतलब तो ये मतलब अभी हम लोग यही, ये देखिए ये घेवर है और ये तिल के लड्डू है और ये मतलब मुढ़ी है और ये जो पोहा होता ना पोहा के लड्डू है शायद, हाँ पोहा के ये। तो बस इसे हम लोग अभी मतलब खाएंगे। तो पहले सबसे पहले लीजिए आप लोग और हैप्पी वो मकर संक्रांति, तो ये आपके लिए। तो अभी शाम हो के 6:30 लगभग हो रहे होंगे। तो बस तो ये अभी मैं मैदा वगैरह
मतलब वो कर ले रही हूँ, छलनी से थोड़ा सा छान लेती हूँ और उसके बाद मतलब उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मोइन दे के अच्छा से उसको पानी थोड़ा सा ना गर्म कर लिया था मैंने, क्योंकि ठंड है ना, तो अच्छे से मैंने वो कर लिया था, उसे लगा दिया बहुत था। बहुत ज़्यादा ठंड है और ये देखिए शाम और मौसम देखिए, बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और बारिश जैसा मतलब सुबह से हो रखा अंधेरा जैसा, मतलब सुबह से ही बारिश का मौसम है। और ये यहाँ पे कपड़े अभी पूरे बाहर ही पड़े हैं मेरे, सूखे नहीं है एकदम। और ये यहाँ पे भी मैंने वो पोछा वगैरह था ना हाथ पोछने का मतलब, तो वो वहीं सुखा दिया था, कहीं भी सूख नहीं रहा था। और इधर में मैंने ये थोड़े से लकड़ी पड़े थे तो मैंने उसे जला दिया है, सूखे लकड़ी थे ना, तो फटाफट कागज तो लगा के मैंने नीचे में ठंड है तो उसे जला दिया। हमने हाथ पाँव थोड़ा सा हम लोग को गर्माहट मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो बस मैंने जला दिया था आग इस कढ़ाई में। तो इस कढ़ाई में ना कोई मतलब ऐसे बहुत सारे कढ़ाई थे मेरे पास, तो इससे कुछ मेरा काम नहीं होता है तो ऐसे ही पड़ा रहता था, तो वो थोड़ा सा बेकार भी हो गया था, तो बस इसी को मैंने ये आग जलाने वाला बना लिया था। तो बस इसी में ये आग देखिए कितनी मतलब अच्छी लग रही है, और अब ठंड है ना तो आग सेकने में बहुत ही और अच्छा भी रहता है आग सेकने, थोड़ा सा आग जला लो ना तो हाथ पांव थोड़े गर्म हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो वही मैंने जला लिया था और थोड़ा सा धुआं हो रहा था तो एडजस्ट फैन भी चला दिया था मैंने उधर कि धुआं बाहर निकल जाएगा, और इस तरफ बैठ गई, उस तरफ धुआं लग रहा था आँख में बहुत। अब इधर क्या है ना कि मैं मतलब ऊपर में एडजस्ट फैन है तो वो चला दिया ना तो धुआं पूरा निकल गया था, और इस तरफ जो मैंने मैदा लगा के रख दिया था ना तो वो सेट हो चुका था आटा, तो ये जो मैंने मैंने वो मटर और आलू के जो स्टेपिंग बना के रखा था ना तो वही मतलब इसमें काफ़ी सूख गया था, तो मैंने सोचा पूरे मतलब एक एक करके पूरा लोई पहले बना लेती हूँ फिर उसमें ये भर के ऐसे पूरा मतलब पैक कर देती हूँ इसमें। तो वो क्या है ना कि मुझे बना के जब ये लोग आएंगे ना तो मुझे फिर भरने का झमेला नहीं रहेगा, तो फिर उसमें क्या कि मैंने पूरा भर लिया था, देखिए पूरा थोड़ा सा बाकी है इधर, और ये फिर मतलब बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं, एक एक डेढ़ चम्मच लगभग मैंने ऐसे कर करके भर लिया था। फिर इधर मैं सेकने मतलब टाइम हो चुका था, सब आ चुके थे, तो बस अब इधर क्या कि मुझे वो डालने का ज़रूरत नहीं है, अब खाली बस थोड़े थोड़े आटा लगा के मैं इसे बेल बेल के सेकती जाऊंगी। और गैस मैंने जला दिया था ताकि वो तावा गर्म हो जाए तो जल्दी जल्दी सेक जाएंगे, तो बस इस तरह खाली बेलने का और सेकने का ही मतलब रह जाएगा। और भर तो मैंने पहले लिया ही था, तो ये गर्मा गर्म मटर के मतलब पराठे हैं और ये पनीर की सब्जी है। तो आज का मतलब अभी का डिनर में ना यही बनाया मैंने, सब्जी तो देखो अपनी सुबह ही बनाया था और पराठे अभी बना दिए हैं, तो ये बस तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही अच्छे बने हैं करारे टाइप के।